हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक रोमांटिक और दिलचस्प कहानी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज आपकी प्यारी सहेली का चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इंसान की जिंदगी के कुछ लम्हे ऐसे भी होते हैं जिन्हें आजीवन भुला पाना संभव नहीं होता। राज ने कड़ी मेहनत करके एक अच्छा मुकाम तो हासिल कर लिया, पर उसका प्यार उसे न मिल सका। राज इस नए शहर में जिंदगी की नई शुरुआत करने आ पहुंचा था। IAS पूरी करने के बाद उसकी पत्नी की पोस्टिंग इसी शहर में हुई। वैसे भी अमृतसर आकर वह काफी खुश था। इस शहर में वह पहली बार आया था, पर उसे ऐसा लगता कि वह अरसे से इस शहर को जानता है। आज वह बाजार की तरफ निकला ताकि अपनी जरूरत का सामान खरीद सके। अचानक एक डिपार्टमेंटल स्टोर में राज को एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। हाँ, वह सिमरन थी और साथ में था शायद उसका पति। राज गौर से उसे देखता रहा। सिमरन शायद उसे देख नहीं पाई या फिर जानबूझकर उसने देख कर भी अनदेखा कर दिया। वह जब तक सिमरन के करीब पहुंचा, सिमरन स्टोर से निकलकर अपनी कार में जा बैठी और चली गई। राज उसे देखकर अतीत में खो गया। नया नया शहर, नया कॉलेज, राज के लिए सब कुछ अपरिचित और अजनबी था। वह क्लास में पीछे वाली बेंच पर बैठ गया। कॉलेज की चहल पहल उसे काफी अच्छी लगी। यहाँ तो पुस्तकें ही उसकी साथी थी। वह बस मन में उठे भावों को कागज पर उतारता और स्वयं ही उन्हें पढ़कर काफी खुश होता। कॉलेज के वार्षिक सम्मेलन में जब उसकी कविता को प्रथम पुरस्कार मिला तो वह सबका चहेता बन गया। प्रोग्राम खत्म होते ही वह लड़की उससे आकर बोली, बधाई हो, तुम तो छिपे रुस्तम निकले। इतना अच्छा लिख लेते हो, तुम्हारी रचना काफी अच्छी लगी, इसकी एक कॉपी दोगे? राज तब उसके आग्रह को टाल ना सका। उसने पहली बार गौर से उसकी खूबसूरती को निहारा। गोरा रंग, गुलाबी गाल, मधभरे तथा मुस्कुराते अधर और सबसे खूबसूरत लगी उसकी आंखें। उसकी आंखें बिना काजल के ही कजरारी लगी। आंखें खोर और शरारत भरी थी। राज ने तो उसकी खूबसूरती को शब्दों में कैद कर गीत का रूप दे डाला और सिमरन की खिलखिलाहट से उसके गीत को संगीत का रूप दे डाला। पर ये सब तो कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा था। सिमरन के स्वर में एक अजीब सी कशिश, एक अजीब सा जादू दिखा। राज जीवन में हमेशा बहुत बड़े और सुनहरे सपने देखता रहता। पढ़ाई और लेखन बस दो ही तो उसके साथी हैं। मध्यवर्गीय परिवार में पला बड़ा राज हमेशा यही सोचता कि खूब पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बनूं और सबकी झोली खुशियों से भर दूं। राज कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा अध्ययन कर रहा था, तभी सिमरन उसके सामने आकर बैठ गई। राज को यह ठीक नहीं लगा। उसे पढ़ाई के दौरान किसी का डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता था। सिमरन का धीरे धीरे गुनगुनाना उसे अच्छा नहीं लगा। वह गुस्से से उठा और जोर से पुस्तक बंद कर चल पड़ा। तभी एक मधुर खिलखिलाहट उसे सुनाई पड़ी। पीछे मुड़कर देखा तो सिमरन शरारत भरी मुस्कान हंस रही थी। गुस्सा तो कम हो गया, पर अपने अहंकार को डुबा राज चला गया। दूसरे दिन भी वह लाइब्रेरी में बैठा अपनी पढ़ाई कर रहा था, पर आज उसके मन में अजीब हलचल मची थी। उसे बार बार ऐसा आभास हो रहा था कि सिमरन आकर बैठेगी। बार बार उसकी निगाहें दरवाजे की तरफ उठ जाती। थोड़ी देर बाद सिमरन आती दिखाई पड़ी, पर आज वह किसी और टेबल पर बैठी। तब राज चाह कर भी कुछ ना कर पाया, पर आज उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा। फिर उसने उठकर गुस्से में पुस्तक बंद कर दी। वह लाइब्रेरी से उठकर जाने लगा, लेकिन तभी सिमरन उठकर सामने आ गई और उसने घूर घूर कर ऊपर से नीचे तक निहारती रही और उसे घूर घूर कर ऊपर से नीचे तक निहारती रही और मुस्कुराती रही। यह देखकर राज का पारा चढ़ने लगा। सिमरन तब बहुत ही सहज भाव से बोली, सरस्वती का अपमान करना ठीक नहीं। जब पुस्तक की कद्र करोगे तभी तो मंजिल मिलेगी। मैं ईर्ष्या से नहीं मुस्कुराई, बल्कि तुम्हारी नादानी पर मुझे हंसी आ जाती है। वैसे सदा मुस्कुराते रहना ही मेरी फितरत है। फिर थोड़ा सीरियस होकर उसने आंखों में आंखें डालकर इस कदर देखा कि राज चुपचाप पीछे खिसकता चला गया और सिमरन आगे बढ़ती रही। अंततः राज दोबारा उसी बेंच पर बैठ गया। सिमरन भी उसके सामने बैठ गई। दोनों बस खामोश रहे। राज सिमरन के इशारे पर पुस्तक खोलकर पढ़ने लगा और सिमरन पुस्तक खोलकर मुस्कुराने लगी। राज सिमरन की समीपता भी चाहता, उससे बात करने में घबराहट भी होती। कॉलेज के कुछ लोग सिमरन की सुंदरता के इस कदर दीवाने थे कि राज उन्हें खटकने लगा। राज को उनकी नफरत भरी नजरों से डर लगने लगा। वह कभी कभी सोचता कि क्या वह सिमरन को कभी पा सकेगा या नहीं। राज कॉलेज के गार्डन में अकेला बैठा विचारों में खोया था, तभी वहाँ सिमरन आ पहुँची। वह एकदम करीब बैठ गई और उल्हाने भरे स्वर में बोली, मैं लाइब्रेरी का चक्कर लगा कर आ रही हूँ। लगता है आज पढ़ने का नहीं लिखने का मूड है, तभी गार्डन में आकर बैठे हो। राज जिसकी याद में खोया था उसका करीब आना उसे अच्छा लगा। सिमरन ने तब बैग खोलकर टिफिन बॉक्स निकाला और शरारती अंदाज में बोला, आ मुंडे, आलू दे पराठे खाए, तेरी भी तबीयत चंगी हो जाए। जब मूड होता तो सिमरन अपनी मातृभाषा पंजाबी बोलती। तब
राज वाकई में खुलकर हंस पड़ा। उसके सामने जब सिमरन ने टिफिन बॉक्स खोला तो पराठे की महक सूंघ कर ही राज खुश हो गया। दोनों ने जी भर कर पराठे खाए। पराठे खाने के बाद सिमरन बोली, चलो अब लस्सी पिला। राज सकुचाते हुए बोला, अभी क्लास शुरू होने वाली है, लस्सी कल पी लेना। सिमरन बेधड़क बोली, बड़े कंजूस बाप के बेटे हो यार, लस्सी पीने का मनाज है और तुम अगले जन्म में पिलाने की बात कर रहे हो। मेरी कुछ कद्र है कि नहीं? अभी यदि एक आवाज दूं तो लस्सी की दुकान से लेकर यहाँ तक लस्सी लिए लड़कों की लाइन लग जाएगी। राज फिर मुस्कुरा कर रह गया। सिमरन टिफिन बॉक्स समेटते हुए बोली, ठीक है चलो मैं ही पिलाती हूँ। मेरा बाप बड़े दिल वाला है, मिलिट्री ऑफिसर है। एक बार पर्स में हाथ डालते हैं और जितने नोट निकल आते हैं वे मुझे दे देते हैं। किसी की इच्छा पूरी करना सीखो राज, बस किताबी कीड़ा बने रहते हो। लाइफ ऑलवेज नीड्स सम चेंज, ठीक है? चलो पिलाता हूँ लस्सी, अब भाषण देना बंद करो, राज आग्रह भरे स्वर में बोला। मुझे नहीं पीना है अब लस्सी, सिमरन मुस्कुराते हुए बोली। जिसने पी तेरी लस्सी मैं समझो फंसी, मैं तो नहीं ऐसी। फिर कॉलेज कंपाउंड से निकलकर दोनों बाजार की ओर चल पड़े। चौक पर ही लस्सी की दुकान थी। कुर्सी पर बैठते ही संगीता ने एक लस्सी का ऑर्डर दिया। राज तब कुतूहल भरी दृष्टि से संगीता को निहारने लगा। संगीता ने टेबल पर सर्व किए गए लस्सी के गिलास को देखकर राज की तरफ देखा और जोर से हंस पड़ी। उसकी शोकी और शरारत से वाकिफ हो गया था, अतः वह लस्सी के गिलास को ना देखकर दुकान की छत की ओर निहारने लगा। संगीता ने उससे चुटकी बजाते हुए कहा, राज लस्सी इधर टेबल पर है, आसमान में नहीं है, ऊपर क्या देख रहे हो? उसने आवाज देकर मैनेजर को बुलाया। उसके करीब आते ही वह उस पर बरस पड़ी। इस टेबल पर कितने लोग बैठे हैं? दो, मैनेजर ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। फिर लस्सी एक ही क्यों भेजी? तुम्हारे आदमी को समझ में नहीं आता है? सिमरन के तेवर गरम हो गए। मैनेजर गरजते हुए बोला, अरे ओ मंजीत, तेरा ध्यान किधर है? कुड़ी दा ख्याल कर और एक लस्सी ला। मंजीत कहना चाहता था कि मैडम ने एक ही ऑर्डर दिया था, पर कह ना सका और उसे काफी डांट पड़ी। राज को यह सब पसंद नहीं आया। वह सिमरन से नाराजगी भरे लहजे में बोला, तुमने ऑर्डर तो एक ही लस्सी का दिया था, फिर उसे डांट क्यों खिलवाई? सिमरन शरारती लहजे में बोली, तुम्हें इतना बुरा क्यों लगा? वह तुम्हारा सगा है क्या? तुमको मालूम है मैं जब भी अकेले लस्सी पीने आती हूँ तो वह मुझे घूर घूर कर देखता है, लस्सी देर से देता है या फिर स्पर्श के लिए लस्सी हाथ में पकड़ाने की कोशिश करता है। आज उसे सबक मिला, अब लस्सी पियो और दिमाग बिल्कुल कूल करो। राज ने लस्सी पीते हुए कहा, तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि लोग तुम्हें निहारे बिना रह नहीं सकते। फिर चौराहे पर खड़ा करके नोच डालो ना मुझे, यह समाज तो मर्दों का है ना, खूबसूरत होना क्या गुनाह है? सिमरन गुस्से में बोली। राज तब उसे बहलाने के ख्याल से बोला, अरे लस्सी पीकर लोग कूल होते हैं, पर तुम तो गर्म हो रही हो। फिर शांत मन से सिमरन लस्सी पीते हुए बोली, अगर मेरा बस चले तो तुम्हें सिर्फ एक दिन के लिए लड़की बना दूं, तब तुम सबकी नजरों को अपने पर देखो, उसके चेहरे के भाव समझो, उसकी नीयत पहचानो, क्योंकि अभी तो तुम्हें सिर्फ कजरारे नैन और मधुर मुस्कान नजर आती है। राज एक कड़वी सच्चाई को सुनकर एकदम चुप हो गया। कई दिन से सिमरन कॉलेज में नजर नहीं आई। राज काफी परेशान हो गया, ना कॉलेज में, ना घर में, ना अकेले में, कहीं भी उसका दिल न लगता। किसी तरह उसकी एक सहेली से पता चला कि वह बीमार है और नर्सिंग होम में भर्ती है। वह दौड़ पड़ा नर्सिंग होम की ओर। काफी रात हो चुकी थी, सिमरन बेड पर लेटी थी। नर्स से पता चला कि वह अभी दवा खाकर सोई है, कई रात से वह सो ना सकी। नर्स राज की बदहवासी देखकर पूछ बैठी, जगा दूं क्या? पर राज का अंतर्मन बोला, सोने दो मेरी जान को, कितनी हसीन लग रही है, नींद में भी चेहरे पर मुस्कान है। उसने नर्स को एक गुलदस्ता और एक छोटी डायरी देकर कहा, जागे तो उसे दे देना। आपका नाम? नर्स ने पूछा। कहना तुम्हारा मीत आया था, कल फिर आऊंगा। वह दूसरे दिन भी गया, पता चला कि सुमन को एक्सरे रूम में ले जाया गया है। वहाँ उसके मम्मी पापा और काफी रिश्तेदार आ गए। अब राज को रुकना उचित नहीं लगा। उसने दोबारा फल, रजनीगंधा के फूल और मैगजीन सब नर्स को सौंपते हुए कहा, मेरा कॉलेज का वक्त हो गया है, ये सब उसे दे दीजिएगा और कह दूंगी तुम्हारे मीत ने दिया है। नर्स ने मुस्कुराते हुए वाक्य पूरा किया और राज भी मुस्कुराते हुए लौट गया। दो दिन बाद राज दोबारा हॉस्पिटल आया। सुमन अपने बेड पर बैठी थी। राज को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। राज बेड के करीब आकर बोला, सॉरी मैं दो तीन बार आया। सुमन बीच में ही बोल पड़ी, मुझे सब मालूम है, यह डायरी, यह फल, रजनीगंधा के फूल सब मेरे मीत के ही हैं। वैसे भी मैं तुमसे सदा अकेले में ही मिलना चाहती हूँ, भीड़ में अगर तुम ना ही मिलो तो अच्छा है। वैसे भी मम्मी डैडी तुम्हें लाइक नहीं करते, वे धर्म के पक्के अनुयायी हैं। राज उसकी खैरियत जानना चाहता था। सुमन मुस्कुराते हुए बोली, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ा फीवर हुआ था, तुम्हें बहुत परेशान करती रहती हूँ ना, इसलिए भुगतना पड़ा।
पर तुम्हारी बीमारी की खबर सुनकर तो मेरी नींद ही उड़ गई, राज चिंता भरे लहजे में बोला। सुमन तब इटलाती हुई बोली, नींद के मामले में तो मैं बहुत लकी हूँ, जहाँ भी रहूँ सोने से पहले जिस आखिरी इंसान से मेरी मुलाकात होती है वह तुम, बस आंखें बंद कर लेती हूँ और सो जाती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी मस्त नजरों से मुझे निहारा। राज ने भी तब भावुकता में बहते हुए कहा, मैं सुबह उठकर सबसे पहले बंद आंखों से जिसका चेहरा देखता हूँ वह हो सिर्फ तुम। बातों ही बातों में सुमन ने बताया, आज सुबह ही मम्मी पापा आए थे, डॉक्टर ने डिस्चार्ज करने को कहा, दरअसल वो लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ फंक्शन में गए हैं, सुबह मुझे लेने आएंगे। मतलब एक रात और तुम्हें मरीज बनकर यहाँ रहना पड़ेगा, राज ने कहा। नहीं, अब तुम आ गए हो ना, अब डॉक्टर से इजाजत ले लेती हूँ, पेपर वगैरह सब तैयार है। पर डॉक्टर पूछेगा कि कौन लेने आया है तो क्या बोलोगी, राज ने जिज्ञासा प्रकट की। हाँ, बोलूंगी कि मेरी सगी बहन के सगे भाई के जीजा जी आए हैं, राज ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। मतलब तुम समझो, मैं चली डॉक्टर से मिलने। फौरन डॉक्टर से इजाजत लेकर आ गई और अपना सब सामान समेटने लगी। फिर राज ने बैग उठाया और दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकल पड़े। रिक्शा बुलाने से पहले ही सुमन ने पूछा, कहाँ चल रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा और मैं उसी रिक्शे से वापस आ जाऊंगा। राज ने सहज भाव से कहा, नहीं कहीं घूमने चलो ना, सिमरन का आग्रह भरा स्वर था। अभी तुम्हारी तबीयत नाजुक है, चुपचाप घर चलो, राज ने समझाते हुए कहा। अच्छा चलो लस्सी पिला दो, सिमरन बच्चे की तरह जिद करते हुए बोली। राज तब भड़क गया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, अभी फीवर से उठी हो और ठंडा, सिमरन तपाक से बोली, तब तक तुम नहीं मिलते दिमाग ठीक रहता है, और अगर मैं कभी ना मिलूं तब तो तुम बिल्कुल ठीक रहोगी, राज ने जानबूझकर ऐसा सवाल किया। तब सिमरन घबराते हुए बोली, अरे ऐसा सोचना भी मत, वरना तुम आगरा में मुमताज का ताजमहल निहारते रहोगे और मैं आगरा के पागलखाने में रहूंगी, वैसे भी आजीवन साथ रहना मुश्किल है, मेरे डैड बहुत ही सख्त है, कुछ लम्हे तो जी लूं, राज उसकी बकवास से तंग आकर बोला। प्लीज अब रिक्शे में बैठो, रास्ते में थोड़ी देर जूली पार्क में बैठेंगे, फिर तुम्हें घर छोड़ दूंगा। थोड़ी देर बाद दोनों जूली पार्क में थे। शाम गहरा गई थी, सूरज की लालिमा अंतिम चरण पर थी, अतः अंधकार गहराता जा रहा था। राज पेड़ से टिक कर बैठा और सिर रख लेट गई। राज की उंगलियां सुमन की काली घनी जुल्फों से अटखेलिया करने लगी। राज बिना बोले अपनी नई रचना सुनाता रहा और सुमन उसकी गोद में सुकून से सोती रही। वह वाकई में सो जाती, लेकिन राज ने उसे जगाते हुए चलने को कहा। दोनों दोबारा रिक्शे में बैठ गए। आज सुमन काफी खुश थी, उसका सारा रोग ही काफूर हो गया था। राज भी सुमन से मिलने के बाद खुद को काफी तरोताजा महसूस करने लगा था। राज ने सुमन को उसके घर के सामने ड्रॉप करने के लिए रिक्शा रुकवाया। उसे सामने सुमन के मम्मी पापा दिखे, उनकी आंखों में उसे भरपूर आक्रोश और नफरत दिखी। कुछ कहने से पहले ही सुमन के पापा आगे बढ़ने लगे, पर उसकी मम्मी ने उन्हें रोक लिया। सुमन भी माहौल को देखते हुए बिल्कुल खामोश रही और रिक्शे से उतरकर चुपचाप घर के अंदर चली गई। राज का रिक्शा आगे बढ़ गया। रास्ते में मजाक में कहीं सुमन की बात राज को बार बार कचोटती रही कि कहीं दोनों का प्यार धर्म की भेंट ना चढ़ जाए। दूसरे दिन राज डरते डरते सुमन के घर के सामने गया। सुमन के पड़ोसी से पता चला कि सभी लोग पंजाब चले गए। राज बस ठगा सा रह गया। राज उन्हीं खूबसूरत लम्हों के सहारे जी रहा था, पर आज अचानक सुमन से मुलाकात, उसके पति का सामीप्य, उसकी उपेक्षा, थोड़ी देर के लिए वह उदास हो गया, लेकिन गुजरे हुए खूबसूरत लम्हे के संग जीने की उसकी चाह कम न हुई। उसके पास अब रह गई थी बस सुमन की यादें और कुछ खूबसूरत लम्हे। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी।